तो दरवाजे खुल चुके हैं, आप कहीं भी रहो, घर से भी पढ़ के सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, समोसा बेच के भी लोग डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक, बकरियां बेच के लोग IIT में जा रहे हैं, यानी कि सोचो जब वो लोग कर सकते हैं तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो। करी और बीटेक जब हमारी पूरी हो रही थी, पूरे कॉलेज का प्लेसमेंट लग गया था हमारा छोड़ के, मैं उन्हें सुनी हो नहीं सुनी तो सुन लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि एक बहुत बड़ा गिटारिस्ट था, गिटार बजाता था, बहुत बड़े बड़े शोज करता था वो, है ना, मतलब जब उसके शो होते थे तो ये मान लो कि 2 लाख, 1 लाख, 50 हजार, 40 हजार ऐसी भीड़ रहती थी, ठीक। एक बार ऐसे ही उसने क्या करा, बाहर निकला, ठीक है, घर से बाहर निकला और गिटार बजाना चालू कर दिया रोड पे, कोई नहीं देख रहा था उसको, 2, 4, 5, 10 लोग देख के चले गए, लेकिन वही गिटारिस्ट अगर सही मंच पर परफॉर्म कर रहा था तो उसको 1 लाख बच्चे देख रहे थे, मतलब 1 लाख लोग उसको देख रहे थे। तो बहुत जरूरी है कि सही मंच पर जाकर प्रदर्शन करना, ठीक है, आपके अंदर टैलेंट है बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर हार्डवर्क है बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर लगातार चलने का साहस है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही जगह पहुंचना वो सबसे बड़ी बात है, कि आप अगर सही जगह पहुंच जाओगे तब वहां आप अपनी कलाकारियां दिखाओगे, तब जाके आपको बहुत आगे चीजें मिल पाएंगी, ठीक है। तो ये जो तैयारी कर रहे होते हो ना, आपको लगता है कि पड़ोसी तैयारी कर रहा है तो हम भी तैयारी कर लेते हैं, है ना, हमारा भाई IITian बन गया तो हम भी बन जाते हैं, हमारा पड़ोसी IITian बन गया हम भी बन जाते हैं, है ना, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपके लिए ये चीज नहीं है। अगर आपको अपने दिल से लग रहा है कि मेरे को IITian या मेरे को NIT में इसलिए जाना है, अच्छे कॉलेज में इसलिए जाना है क्योंकि मैं अपना भविष्य इस तरीके से देखता हूं, ठीक है, ये सब आपके छोटे छोटे गोल्स होते हैं। एक आपका बड़ा गोल भी होना चाहिए ना कि लाइफ में तुम क्या चाहते हो। छोटा गोल तो ये है कि भैया मेरे को IIT क्लियर करनी है, या मेरे को NIT में जाना है, या मेरे को कोई अच्छे कॉलेज में जाना है, एक तो छोटा गोल ये हो गया, है ना। आप बोलोगे सर छोटा गोल, यही तो हमारा सबसे बड़ा गोल है। बेटा जब आप आगे बढ़ोगे ना जीवन में, अभी तो आप बच्चे हो, ठीक है, अभी आप जस्ट 12th पास करके ड्रॉप लिया है आपने, ठीक है, अभी जीवन का बहुत सारा समय जो है जो आपको इस अर्थ पर व्यतीत करना है, तो उन सब सर्वाइवल के लिए जो आपको हथियार चाहिए ना, वो आपको अभी नहीं मिलेंगे, वो आप कॉलेज में जाओगे, उसके बाद आप लाइफ में जब काम कर रहे होगे तब जाके आपको वो सब हथियार मिलेंगे जो आपको पूरे जीवन भर आगे बढ़ाएंगे, है ना, समझे बात को। जैसे एक छोटा गोल है कि मेरे को यहां जाना है, उसके बाद असली गोल चालू होता है ना। देखो एक बात बताओ, तुम कॉलेज में गए, ठीक है, तुमने बीटेक कर ली, अब आपने बीटेक कर ली तो अब आप उसके बाद क्या करना चाहते हो, आप किसी कंपनी में जाकर काम करना चाहते हो, या अपना स्टार्टअप ओपन करना चाहते हो, या आप हायर स्टडीज करना चाहते हो, या आप कलेक्टर बनना चाहते हो, या आप कुछ भी बनना चाहते हो। तो जब आप कुछ जो मतलब कॉलेज के बाद की बात है ना, जब आप कॉलेज पास आउट हो जाते हो वहां से करियर स्टार्ट होता है ना, तो वो आपके दिमाग में पहले ही होना चाहिए डे वन से, मतलब आप ये समझो डे वन जब से सोचो तब से डे वन है, ठीक है, डे वन जब से आप सोचो ना तब से डे वन। जैसे मैं अपने ही बताता हूं, जब मैंने ड्रॉप लिया था, ठीक है, कानपुर में पढ़ता था, मैंने ड्रॉप लिया था, वहां पर एक सर थे निर्मल सर, ठीक है, आज भी मेरे कांटेक्ट में है वो, मतलब एक टीचर का इंपैक्ट बता रहा हूं क्या होता है। तो जब मैं पढ़ रहा था ना, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई मेरे को इनके जैसा पढ़ाना है, मेरे को इनके जैसा बनना है, और आज जब सर से बात होती है तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है दिल से कि यार हम टीचर से इतना मोटिवेट हो जाते हैं, और हर एक टीचर का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। आप जैसे अभी तो आप और हम तो अभी मिल रहे हैं, आप जब बचपन में 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में थे तब भी आपसे कोई ना कोई टीचर कनेक्टेड होगा जिसको आप आज तक नहीं भूल पाए होगे, है ना। तो ऐसे हमारे जीवन में सर ने इम्पैक्ट डाला और मैंने तभी सोच लिया कि मेरे को इनके जैसा बनना है, मेरे को केमिस्ट्री पढ़ानी है, जबकि मैं ड्रॉप ले रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था कि आगे क्या करना, क्या डायरेक्शन होती, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये जो कर रहे हैं ये करने के लिए मुझे डिग्री कौन सी चाहिए, है ना। तो जब आपके पास कुछ नहीं होता ना तो आप सिर्फ उस पर फोकस करते हो, मुझे लगा था कि ऐसा बनना है, और जो मेरे पास प्रेजेंट में था कि भाई मैं इनसे पढ़ रहा हूं तो मेरा ये कर्तव्य है कि अगर मैंने सोचा है कि हाँ मेरे को इनके जैसा बनना है तो जो ये काम दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, या जो ये पढ़ा रहे हैं, मुझे पूरा 100% इसमें परफॉर्म करना है। और धीरे धीरे रास्ते खुलते गए भाई, जब तैयारी स्टार्ट करी फिर धीमे धीमे कॉलेजेस के बारे में पता चलने लगा कि हाँ यार ये कॉलेज होता है, ये कॉलेज होता है, ठीक है, फिर अपन ने एग्जाम्स दिए, कुछ एग्जाम में नहीं हुआ, कुछ एग्जाम में हुआ, ठीक है, फिर जाके HBDI कानपुर से हमने बीटेक अपनी पूरी करी, और बीटेक जब हमारी पूरी हो रही थी, पूरे कॉलेज का प्लेसमेंट लग गया था हमारा छोड़ के, मैं और मेरा एक दोस्त था मनोज, दो लोग नहीं प्लेस हुए थे क्योंकि हम किसी कंपनी में बैठे ही नहीं थे, क्योंकि जब कॉलेज में चले गए थे तो वहां से हमें यह समझ में आ गया था कि ब्रांच तुम्हारी कुछ भी हो सीख सब कंप्यूटर ही रहे, है ना। वहां मतलब कॉलेज जब हम पहुंचे
फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही निकलता है, मजे में जीवन के आनंद में निकलता है फर्स्ट ईयर, लेकिन जब होश संभाला है ना, होश संभाल लेंगे ना, जब समझ में आएगा यार दिन निकलते जा रहे हैं आगे क्या करना है ना, ऐसा होता है, डिस्कशन होता है कभी बहुत गहराई वाला, चाय की टपरी पे चार दोस्त बैठे बहुत गहराई वाला डिस्कशन हो रहा है कि मेरे को तो ये कंपनी खोल ली, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को यूएस जाना है, मेरे को गूगल में जाना है, मेरे को यहाँ जाना है, मुझे कलेक्टर बनना है, वो वाला जो टपरी पे डिस्कशन होता है, तो तब हमारा दिमाग खुला, तो समझ में आया भाई कि यार सब लोग तो यार बहुत खतरनाक चीजें सोच रहे हैं, मैं क्या करूं। फिर मुझे याद आया कि यार मैं जब ट्वेल्थ के बाद मैंने ड्रॉप लिया था तो मुझे निर्मल सर ने पढ़ाया था, तब मैंने सोचा था कि मेरे को इनके जैसा बनना, मेरे को केमिस्ट्री पढ़ानी है, तब सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर से मुझे दिमाग में वो चीज बैठ गई, और फिर तब से अपन काकादेव एक जगह है कानपुर में, वहां जाके डाउट्स लेने लगे, स्टार्टिंग में डाउट्स लिए, ठीक है, उसके बाद धीमे धीमे क्लासेस मिलना चालू हुई, तो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में क्लासेस भी पढ़ाना चालू कर दिया, एक क्लास मिलती थी शाम को 5 से 6 की, उसकी तैयारी के लिए बहुत समय लगता था, 3-4 घंटा, तब जाके 1 घंटे की क्लास मिल पाती थी, ठीक है। तो ऐसे धीमे धीमे अपन आगे बढ़ते गए, मतलब रास्ते आपके खुलते जाते हैं, आपको क्या करना है, ओपन माइंडेड रहना है, कभी भी अपना दिमाग बंद करके नहीं बैठना। यहां पर लिखा है, ये क्या लिखा है, यहां कुछ लिखा है अनुगच्छतु प्रवाहम, इसका मतलब क्या है, गो विद द फ्लो, आप जिस डायरेक्शन में जाएं उस डायरेक्शन में मेहनत से काम करें, क्योंकि कॉलेज में तो सब कंप्यूटर सीख रहे थे, हमको थोड़ी सीखना था कंप्यूटर भाई हमको थोड़ी कंप्यूटर सीखना था, हमारे दिमाग में थोड़ी था ये कि कंप्यूटर सीखना है, लेकिन जिसकी मेटलर्जी ब्रांच है वो भी कंप्यूटर सीख रहा है, जिसकी सिविल है वो भी कंप्यूटर सीख रहा है, हमने कहा यार सभी कंप्यूटर सीख रहे हैं, ब्रांचें अलग अलग क्यों बना रखी है, आता है ना बच्चे के दिमाग में डाउट है ना। तो धीमे धीमे समझ में आया कि हाँ यार कुछ करना है, बस वहीं से एक कारवा बन गया और जो आज तक चला आ रहा है, पढ़ाना चालू करा, बच्चों को पसंद आने लगा, मुझे मजा आने लगा, बस धीमे धीमे बन गया, ठीक। काफी समय ऑफलाइन में पढ़ाया, फिर ऑनलाइन में आए, चलते गए, ठीक है, आज आपके सामने है, और ऐसे ही हम चलते रहेंगे। आप लोग यहां से कहीं अच्छी जगह जाओगे, अगले साल कोई और प्रयास 2.0 बैच आएगा, उसको हम पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो ये चलता रहता, बस आप लगातार जुड़े रहिए, ठीक है, मतलब हमेशा चीजों को एडेप्ट करने के लिए, देखो हमेशा समस्या का समाधान सुनना है तुम्हें, है ना, मतलब समाधान सोचना है तुम्हें, कभी भी प्रॉब्लम लाइफ में आए ना तुम्हारी, ऐसा नहीं कि पढ़ाई की बात कर रहा हूं, अगर पढ़ाई के अलावा जीवन में किसी और टाइप की भी प्रॉब्लम आए ना, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग से जवाब आना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, ना कि प्रॉब्लम डिस्कस की जाए। आप प्रॉब्लम कितनी डिस्कस कर लो जीवन में, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, मेरे तो घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं नहीं कर सकता। अरे भाई आज का डेट जो है ना, आज के दिन जो जी रहे हो तुम, सांसें ले रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी सांसें चल रही है ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, गरीबी अमीरी कुछ फिर बीच में नहीं आता, आपकी स्कूलिंग चाहे कहीं से हुई हो, कोई चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना रहा हो, 12वीं में कोई 90% 95% वाला हो या 60% वाला हो, सबके लिए अभी दरवाजे खुल चुके हैं, हमने दरवाजे खोल दिए हैं, सबके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें दम है वो पहुंच जाए, है ना, मतलब मेहनत करनी जिसको आती है वो पहुंच जाए, क्लियर है। तो दरवाजे खुल चुके हैं, आप कहीं भी रहो, घर से भी पढ़ के सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, समोसा बेच के भी लोग डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक, बकरियां बेच के लोग IIT में जा रहे हैं, यानी कि सोचो जब वो लोग कर सकते हैं तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो, बस जरूरत है एक फोकस्ड वे में स्टडी की, जो कि मैं आपको लगातार गाइड करते रहूंगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि हम और आप डायरेक्ट 1-to-1 तो मिलते नहीं है, हमारी आपसे मुलाकात इस कैमरे के थ्रू होती है, तो इस कैमरे को भी बहुत बहुत सत सत नमन है जो आपको हमसे कनेक्ट करता है, तो आपकी और हमारी बीच बीच में ऐसी ऐसी बातें भी होंगी पढ़ाई के अलावा, जिससे आपको एक मदद मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी कि हाँ मेरे को ऐसे जाना है, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे।